सरगुजा जिले के मैनपाट में छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बॉक्साइड उत्खनन का काम कर रहा है। खदान को लेकर गांव के श्रमिक लामबंद हो गए हैं और विभिन्न मांगों को लेकर तहसीलदार और सीएमडीसी प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा है। श्रमिकों ने सीएमडीसी के विरुद्ध हल्ला बोलकर शोषण करने का आरोप लगाया है। वहीं प्रबंधक मीडिया के सवालों से बचते हुए नजर आए हैं। श्रमिकों ने मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। पीएसएल ठेकेदार है और सीएमडीसी के द्वारा यहाँ माइनिंग कराया जा रहा है, जिसमें यहाँ खदान का जो भी नियम कानून है, रूल रेगुलेशन एक्ट सेक्शन, किसी प्रकार का फॉलो नहीं हो रहा है। पहला बात, यहाँ डंपिंग गार्ड जो है, डंपिंग गार्ड का जो नियम सेफ्टी का होता है, वो किसान के खेत में पत्थर गिर रहा है, ना वो नाली ट्रेंच काट रहा है, ना ही वो ये जो पत्थर गिर रहा है उसका फेंसिंग कर रहा है। सबसे बड़ा समस्या हमारी ये है। दूसरी बात, उसमें पानी रोड में डालना चाहिए, जो धूल उड़ रहा है वो पर्याप्त मात्रा में पानी भी नहीं डाल रहा है, और मजदूर लोग यहाँ भी जितने भी हैं काम करते हैं, उनको शुद्ध मतलब पेयजल और भंडारण क्षमता वो भी नहीं बनाया गया। यहाँ हमारे यहाँ जैसे खदान में जो काम करते हैं उनके लिए छाया व्यवस्था होता है, रेस्ट सेंटर, वो भी व्यवस्था नहीं गया। मतलब कि जितना भी काम हो रहा है यहाँ, सब फर्जी तरीके से हो रहा है। जो भी खदान का नियम कानून है, रूल रेगुलेशन एक्ट, जो वो एक भी लागू नहीं हो रहा है। तो इसी विषय में आज हम एनकेएसपीएल अपना माइंड चला रहे हैं। इसमें ठेकेदार से हम लोग को बहुत सारे चीज का मतलब कमी महसूस हुआ है। सीएमडीसी भी इन्वॉल्व है इसमें, बहुत सारे चीज को जो देना चाहिए वो दिया नहीं। बेसिकली इसमें सबसे पहले तो ये क्या है कि रोजगार नहीं दिया है, सभी लोगों को साइड नहीं दिया है पत्थर तोड़ने का। सभी लोग मतलब पूरी तरह से पत्थर नहीं तोड़ पा रहे हैं। अगर पत्थर तोड़ भी रहे हैं तो उस माल को रिजेक्ट कर दे रहे हैं। दूसरा चीज क्या है, जो एक अप्रैल 2023 में जो रेट लागू हुआ है, वो रेट अभी तक लागू नहीं किया है। सारे मतलब इतने सारे जो श्रमिक काम कर रहे हैं उनका पूरी तरह से शोषण किया है। एग्रीमेंट के हिसाब से जो स्टार्टिंग में जो माइंस जब ओपन हो रहा था, उस समय जितने लोगों को रोजगार में रखने के लिए बोला है, उसमें से एक भी नहीं रखा है, किसी भी बंदे को प्रॉपर रोजगार नहीं दे पाया है। अभी उसी बीच में हम लोग 15 दिन के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे थे, जिसका डिस्कशन आज होना था, वो भी नहीं हो पाया। दूसरा, इसमें एक कारण नहीं हो, इसमें इस किसी भी कारण से वो कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, ना सीएमडीसी सुनने के लिए तैयार है, ना ठेकेदार सुनने के लिए। क्या किसी भी बात पे कोई वो एग्री ही नहीं होता है। बोलता है कि अभी करवाएंगे, अभी करवाएंगे, अभी मैं आपको दिखाना चाहूँ, दिखा दूंगा। कितना दिन से आप लोग को आश्वासन मिला? ये हम लोग को लगभग हम लोग का ये चौथा स्ट्राइक है। अच्छा, हम लोग का ये चौथा स्ट्राइक है। मांगे क्या, मूल्य क्या है आप लोग का? मूल्य सबसे पहला तो क्या है, देखिए, पट्टे का, राम अनुज यादव का पट्टे का जमीन सीएमडीसी द्वारा बिना जानकारी के उसको खोदा गया, अभी तक उनके जमीन का कोई मुआवजा नहीं मिला है, कोई उसका सुनवाई भी नहीं हुआ है। हमेशा मतलब इस बात को टाला जा रहा है। अभी तक वो आदमी घूम रहा है पूरा कागज लेके, लेकिन अभी वो उनसे बात भी नहीं कर रहा है। वो आने के बाद द्वारा मेरा जमीन बिना सूचना, बिना मुआवजा, बिना जानकारी के, बिना खोद दिया गया, जिसमें आज 1.5 साल हो गया, उसका कुछ नहीं दिए। गलत आश्वासन, झूठा आश्वासन देते हैं, चर्चा करेंगे। आज 1.5 साल से वो लोग चर्चा कर रहे हैं, इस विषय में मेरे को कोई नहीं कर रहे हैं। अच्छा, क्या आश्वासन दे रहे हैं? चर्चा करेंगे इसके विषय, क्या चर्चा करेंगे, आगे भेजेंगे अपना ऊपर अधिकारी के पास। आपकी उसमें खुदाई कर दिए हैं? थोड़ा सा नहीं, 50 डिसमिल, 60 डिसमिल। अच्छा, तो आप यहाँ इससे पहले तो आपको क्या आश्वासन दिया जा रहा है? वो पहले तो मेरे को सूचना नहीं दिया, बिना मनमानी खोद दिए। उनका एक तो वो एरिया का पता नहीं है कि उनका लीज कहाँ तक है। थाने में FIR नहीं कर दिए? थाने में तो नहीं किया हूँ। अच्छा, सूचना नहीं दिए हैं अधिकारी कर्मचारियों को? तहसीलदार को दिया था। तो क्या बोल रहे थे तहसीलदार? आए थे तहसीलदार, एक बार तो चेकिंग में, फिर इसके बाद वो हड़ताल का निराकरण ये थी। क्या आश्वासन दिया? इतना जो गवर्नमेंट के नियम कहते हैं, मजदूर समस्या है उसे इन्होंने अवगत कराया है। ज्यादातर समस्या इनकी कॉन्ट्रैक्टर के साथ है ना, सीएमडीसी से संबंधित सीधे नहीं है सीधे तौर पे, लेकिन जो इनके कॉन्ट्रैक्टर के साथ इनका मांगे क्या क्या है? इनकी मांगों की लंबी लिस्ट है, ठीक है, वो आप लिस्ट ले सकते हैं इनसे।
इनके पास कॉपी भी होगा, उसको आप कलेक्ट कर सकते हैं। सर परिचय बता दीजिए, परिचय बता दीजिए।